आदर दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो पर सवाल उठे कि क्या हमारे देश की पुलिस निष्पक्ष है या फिर एक तरफा कार्रवाई करती है। आरोपी खुद थाने में पहुंचते हैं शिकायत लेके, लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। मामला है हरिद्वार धर्म संसद से जुड़ा हुआ। 17 से 19 दिसंबर के बीच एक धर्म संसद की गई। इस धर्म संसद में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, यति नरसिम्हानंद, स्वामी प्रबोधानंद गिरी, स्वामी आनंद स्वरूप, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन, सागर सिंधु महाराज जैसे लोग इकट्ठे हुए। नफरत का एक कारोबार हुआ, जिसके बाद एक FIR दर्ज की गई 153A के तहत, यानी कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला। वसीम रिजवी का नाम उसमें पहले लिखा गया, बाद में साध्वी जो अन्नपूर्णा है उसका और स्वामी धर्मदास का नाम जोड़ा गया। लेकिन उनके आरोपी होने के बावजूद भी जितेंद्र नारायण त्यागी और साध्वी अन्नपूर्णा पहुंच जाती हैं थाने में अपने बाकी साथियों के साथ, जैसे कि स्वामी धर्मदास, स्वामी यति नरसिम्हानंद महाराज, ये सभी लोग पहुंचते हैं हरिद्वार थाने में एक FIR दर्ज कराने के लिए उलमा के खिलाफ, कि हमारे खिलाफ गलत कैंपेन किया जा रहा है, हमारे खिलाफ अभद्रता की जा रही है, हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है और इसमें कार्रवाई की जाए। सवाल ये उठता है कि खुद आरोपी थाने में पहुंचता है, उसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस आरोपियों के साथ ठहाके लगाती हुई दिखती है, जिसमें स्वामी यति नरसिम्हानंद कहते हैं कि निष्पक्ष जांच की होगी, ये तो हमारी तरफ होंगे। आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। पहले वीडियो देखिए कि किस तरह से पुलिस थाने के अंदर ठहाके लगाए गए आरोपियों की और पुलिस के इन ठहाकों की जो आवाज़ें हैं वो संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है। ये वीडियो आप देखिए। ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे और आगे ये, लेकिन हमको रिसीव कर दें, किसी व्यक्ति का भिजवा देंगे, मैं रिसीव करा दूंगा। महाराज जी, थोड़ा सा बैठ जाओ, कहाँ पा पूरा फ्रेम बेकर हो जाएगा। सर सर हर हर महादेव। ये कॉपी और दे दो इनको, अग्रवाल साहब, ये अनावश्यक रूप से चुकी हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज में दर्ज करने हमारी गलत धारणा दी गई है, ठीक है। हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे रही है और इसकी FIR करिए, FIR करनी है, इसकी FIR करिए। रिसीविंग से काम नहीं है, आपसे उम्मीद यही है कि आप इधर दर्ज कर न्याय करिए। आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके जांच दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी है, संवैधानिक है और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। सदैव जी करेंगे, निष्पक्ष क्यों, हमारे लड़के हमारी तरफ होगा। तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से माहौल बनाया गया, किस तरह से पूरा कैंपेन चलाए जा रहे, किस तरह से पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। अब क्या वाकई में पुलिस निष्पक्ष है, और अगर निष्पक्ष है तो थाने के अंदर मौजूद साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो बात यति नरसिम्हानंद ने कही कि ये निष्पक्ष क्यों रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज हमारे देश के अंदर पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है, क्या सही एक्शन लिया गया उस नफरत भरी धर्म संसद पर जो हरिद्वार के अंदर हुई। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर, यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।